अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले जोगेंद्र सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जोगेंद्र सिंह यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, उन्हें मथुरा से गिरफ्तार किया गया और इससे पहले जोगेंद्र सिंह यादव के भाई और पूर्व विधायक रामेश्वर यादव को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जैसे ही जोगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, एटा जेल के बाद समर्थकों की भीड़ वहां पर पहुंच गई। तो जोगेंद्र यादव पर कुल 86 केस दर्ज है। सपा नेता जोगेंद्र यादव को जेल भेज दिया गया है, मथुरा से उनकी गिरफ्तारी हुई है। जेल के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद रहे उनके समर्थक, फिलहाल 3 मामलों में फरार चल रहे थे जोगेंद्र। आपको बता दें 25,000 का इनाम भी उन पर घोषित था और गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरा मुकदमा भी दर्ज किया गया। मथुरा पुलिस की मदद से क्राइम ब्रांच एटा और कोतवाली नगर पुलिस जनपद एटा की टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है जनपद मथुरा से, और वहां से गिरफ्तार कर कोतवाली ले आया गया है। वर्तमान में 3 मामलों में वांछित चल रहे हैं। नंबर 1 थाना अलीगंज के, क्राइम नंबर 294/21। नंबर 2 क्राइम नंबर 28/17 अंडर सेक्शन 171H 188 IPC थाना बागवाला। और तीसरा है क्राइम नंबर 300/22 409 IPC थाना अलीगंज, जिसमें इनके द्वारा अपनी हिस्ट्री शीट को गायब कराया गया था, उसमें भी वांछित चल रहे हैं। अपना सर, अभी जोगेंद्र सिंह यादव को न्यायिक अपरक्षा में ले जाया गया है, क्या इनको अभी तत्काल जेल भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी? नियमानुसार जो विधिक कार्यवाही होती है जुडिशियल कस्टडी की, इनको न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता जोगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद उनको अभी अभी इसी जेल में किया गया है और इस जनपद कारागार में उनको न्यायिक हिरासत में लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, उसके बाद न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और अंतिम चरण में जनपद कारागार में उनको दाखिल कर दिया गया है और इस जनपद कारागार से ही वो आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है सुचारू रूप से जारी रखेंगे। आपको बता दें आज सुबह जोगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी मथुरा के जैत थाना क्षेत्र से की गई, ऐसा SSP एटा ने पुष्टि की है और कुल मिलाकर हजारों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां जेल पर उमड़ा हुआ था। अब से कुछ ही क्षणों में उनको एटा जेल में दाखिल किया गया है और अब जोगेंद्र सिंह यादव का अगला ठिकाना होगा एटा जेल। एटा से ABP गंगा के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है और इसे लेकर भाजपा बूथ सक्रिय कार्यकर्ता अभियान चलाएगी और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा लगातार 24 घंटे तक जनता के बीच रहकर काम करती है। उन्होंने कहा कि यूपी के नैरेटिव अब बदल चुके हैं और भाजपा आज विकास के मामले में पहले पायदान पर है, साथ ही प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर भी जल्दी नंबर 1 होने वाला है। डिप्टी CM ने कहा कि साल 2014 से लेकर 2022 तक लगातार भाजपा को वोट प्रतिशत बढ़ा है और साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि 2024 में भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। लगातार BJP 2024 की रणनीति तैयार कर रही है। अब बूथ को लेकर जो सक्रिय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है वो सभी मंडलों में किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, 2024 को लेकर BJP की जो रणनीति, उसमें बूथ का कार्यकर्ता बहुत महत्व। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहकर के राउंड द क्लॉक काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाते हैं और उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश विकास के मामले में नंबर 1 पर है और आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र ही नंबर 1 आने वाले हैं। तरीके से BJP सभी 80 लोकसभा सीटों पर बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी अब कह रही है कि उनके भी बड़े नेता। ये लगातार एक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहती है और ये जो विपक्षी दल है ये केवल चुनाव के समय ही जनता की याद करते हैं, जनता अच्छी तरह अंतर समझती है। आपने कहा आर्थिक मोर्चे पे यूपी नंबर 1 होगा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है नीति आयोग की रिपोर्ट कि यूपी 22वें नंबर। आप वेट करिए और प्रदेश की जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद देगी और पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव ये प्रयागराज की घटना को लेकर कह रहे हैं कि इनकाउंटर होगा। जानते हैं कि ये हमेशा अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं, संरक्षण देने वाले लोग हैं। हम निष्पक्षता के साथ एक एक अपराधी को पकड़ेंगे, उसे कानून के तहत कड़ी से सजा दिलाएंगे।
तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अपने बूथ कार्यकर्ताओं के सहारे 2024 में 80 का मिशन जो है वो हासिल करेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के लोग केवल चुनाव में नजर आते हैं। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।